स्वागत है आपका इस विदाई समारोह में। नमस्कार, मैं हूं आपका पत्रकार साथी शेख इमरान, आप देख रहे हैं द न्यूज नेटवर्क। दरअसल पीएनटी कंप्यूटर सिंहेश्वर द्वारा परंपरा अनुसार पुराने सत्र के विद्यार्थियों को कोर्स कंप्लीट होने पर एक शानदार विदाई समारोह का आयोजन कर विदाई दी गई, जिसका शुभारंभ पीएनटी कंप्यूटर्स के संचालक तेजेश यदु और पूनम यदु द्वारा मां सरस्वती की पूजा कर किया गया। समारोह में विभिन्न प्रकार के गेम्स का आयोजन किया गया था, जिसमें बढ़ चढ़ कर विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। पीएनटी कंप्यूटर के संचालक तेजेश यदु ने विद्यार्थियों से कहा कि आपको सिर्फ सेंटर की पढ़ाई से विदाई दे रहे हैं, ना कि सेंटर या अपने दिल से। आप सदैव ही इस पीएनटी कंप्यूटर्स परिवार के सदस्य रहेंगे। समारोह में प्रवेश से लेकर विदाई तक विभिन्न आयोजन में समस्त बीते पलों को याद किया गया। सभी को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु ग्रुप बनाने व जीवन भर सभी परिस्थितियों में साथ देने का वादा पीएनटी कंप्यूटर्स परिवार द्वारा किया गया। यह हमारे यहाँ जो शुरुआत हम लोग किए थे सेंटर संचालन का, उसके जो सत्र का आखिरी पल जो होता है, उस सत्र में हम लोग जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनको जब क्लास बंद करना होता है तो बंद करने से पहले हम लोग उनको विदाई देते हैं और उनको ये आश्वासन देते हैं कि बेटा आपका पढ़ाई भले ब्लैक हो रहा है, लेकिन हमारा और सेंटर का रिलेशनशिप आपके साथ हमेशा रहेगा। एक इंजॉयमेंट मोमेंट रहता है, इस मोमेंट में हम लोग बेस्ट स्टूडेंट बॉयज़, बेस्ट स्टूडेंट गर्ल्स, है ना, और एक्टिविटीज़ ऑफ द डे, जो अच्छा गायक है सिंगर, मतलब 5-10 प्रकार के जो पुरस्कार होते हैं हम लोग सेंटर के बच्चों लोग को सम्मानित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और लास्ट डे एक्टिविटीज़ करवाते हैं। उन एक्टिविटीज़ में भी जो लोग जीतते हैं वो सब लोग को पुरस्कार देकर उनका मनोबल बढ़ाते हैं, ताकि बच्चा हर कार्यक्रम करने में या एक्टिविटीज़ में हमेशा आगे रह सके। यानी पढ़ाई के साथ साथ पूरे उनके ख्याल मनोरंजन का ध्यान दिया। हाँ बिल्कुल, मतलब मेरी एक जो पर्सनल थिंक थी, मैं ये चाहता हूँ बच्चा ऑलराउंडर बने। पढ़ाई तो पहली से लेकर 12वीं तक, 12वीं से लेकर कॉलेज तक, मतलब लाइफ टाइम पढ़ना ही है, लेकिन जिस बच्चे के मन में डर या झिझक है उसको हम सेंटर के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें बच्चा खुल सके और अपनी प्रतिभा को सब साइड से निखार ला सके। विदाई समारोह में विशेष तौर पर पहुंचे बीआरसीसी टिकेंद्र यदु ने विद्यार्थियों को मोटिवेट करते हुए कहा कि कभी हार न माने और मंजिल कैसे प्राप्त करें के रहस्य को समझाया। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे पीएनटी विद्यालय में जितने भी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए विदाई और फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मुझे मेरे बड़े भाई द्वारा आमंत्रित किया गया और बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए कहा गया था और मेरे द्वारा सभी बच्चों को बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीच दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस बातों को ये अपने जीवन में उतारेंगे और बहुत अच्छे से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे। हमारे विद्यालय की एक परंपरा है कि हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं। हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए कंप्यूटर पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलम हैं, अन्य गतिविधियाँ हैं, खेल कूद हो गए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, इन सभी का आयोजन होता है और इसी की अंतिम कड़ी के रूप में आज इन प्यारे बच्चों के लिए विदाई का कार्यक्रम रखा गया है, जिसको हम सभी मिलकर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। विदाई समारोह में स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब कुमारी ज्योति साहू एवं प्रेमचंद साहू को दिया गया। एक्टिव स्टूडेंट का खिताब नरेंद्र जांगड़े तथा संगीत कलाकार के तौर पर दिनेश साहू को नवाजा गया, तो वहीं ब्यूटीफुल ऑफ द डे का पुरस्कार वर्षा साहू को दिया गया। फिल इन बॉक्स में श्रृंखला चंद्राकर एवं प्रेमचंद साहू प्रथम आए, वहीं बैलेंस चाय कप में पूजा ध्रुव एवं सूरज मांडले प्रथम आए। गुब्बारे में नाम लिखना में वर्षा साहू एवं भीषम साहू प्रथम रहे। बिस्किट खाओ में रेखा साहू एवं सूरज मांडले प्रथम आए, तो वहीं बलून बैलेंस में तामेश्वर साहू ने बाजी मारकर प्रथम स्थान प्राप्त किया।
तो वहीं विदाई समारोह में टीचर्स ऑफ द ईयर के सम्मान से चांदनी शुक्ला को नवाजा गया। साथ ही गायत्री निषाद, गायत्री यादव, पूजा तिवारी को शिक्षक सम्मान से नवाजा गया। टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स सीख रहे भारती ध्रुव एवं उर्मिला खुटे को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। इसी तरह समारोह में पहुंचे समस्त विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। विदाई समारोह में पहुंचे विद्यार्थियों ने क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आज का आयोजन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सर। विदाई समारोह अच्छा लग रहा है। शिक्षा कैसा मिला? बहुत अच्छा मिला। शिक्षा अच्छा मिला है? जी सर। अच्छा, पीएनटी कंप्यूटर से गर्ल्स भी हैं, क्या लगते हैं यहाँ से करियर बनेगा? हाँ बनेगा, जरूर बनेगा। क्या सुविधा मिलती है यहाँ? सभी सुविधा मिलती है सर, जैसे स्कॉलरशिप की सुविधा है, हर सैटरडे को एक्टिविटीज होते हैं, तो वैसे सभी सुविधा है यहाँ। क्या यहाँ अच्छा शिक्षा मिलता है आप लोग? हाँ। करियर बन पाएगा? यस सर। तो आप लोग को लगता है कि यहाँ करियर बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा ना। पीएनटी कंप्यूटर अच्छा लगता है? हाँ सर अच्छा। फिलहाल मुझे अनिशेक इमरान, मेरा कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाजत, और क्षेत्र खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क।